सीरीज आया सो मेरे को लगता है क्या बोलूं क्या तो वो मैं वो भी गेम्स खेलता हूं अपने पहुंचने लॉन्च कर लिया तो अब सब जने ये सोचेंगे कि हमने PS5 क्यों लिया ऐसे टाइम पे जब इतना पास था PS5 की लॉन्चिंग So hello guys and welcome back to another vlog. So पहले सबसे पहले बाकी सारी बात छोड़ो जो जो लोग आज ये vlog पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम जो टाइटल पढ़ के आए हो PS4 वो मैं करने वाला हूँ तो मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें करोलबाग गया था PS4 लेने अपने एक दोस्त के साथ सो आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो डालने वाला हूँ तो जिन्होंने लास्ट व्लॉग नहीं देखा मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा नीचे वो लास्ट व्लॉग भी देख लेना उसमें मैंने दिखा रखा है कि मैंने कहाँ से परचेज करा है PS4 तो अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं सो PS पेश करा जाए और जो जो लोग सोच रहे हैं कि इसका बॉक्स इतना वाइट क्यों है तो मैं उनको बता दूं कि हमने बंडल नहीं लिया था हमने कंसोल अलग से परचेज किया था सो जो ब्लू कलर की पैकिंग होती है पूरी वो बंडल वाले पूरे पैकेज के साथ आती है इसके साथ में एक्चुअली हमें बजट इजी पड़ा था हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाने में हमने इसलिए सिर्फ कंसोल करा था उसके बाद हमने सीडीज का परचेज करा अगर आप चाहो तो मैं ये भी बता दूंगा कि हमने किस किस तरह सारी चीजें मिलाकर इसको परचेज किया था क्योंकि हमें बंडल में महंगा पड़ रहा था बट अगर हमने अलग अलग लिया तो इट वॉज बजट फ्रेंडली अगर हम सबसे पहले शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो PS4 का रिमोट और हमसे थैली फट चुकी है ऑलरेडी बट नेवर माइंड सो दिस इज द रिमोट और अगर हम आगे चलें तो इसकी एक HDMI केबल एक इसकी पावर केबल एक बहुत तुच्छे से बहुत बेकार से ईयरफोन्स जो सोनी देती है जिसमें एक कान का नहीं होता गाइस ये मैं तो बहुत बड़ा इसमें नहीं होता एक कान एंड ये रिमोट चार्जिंग केबल इसमें चार्जिंग रिमोट की चार्जिंग केबल इसमें USB टाइप लगती है टाइप सी नहीं लगती मेरे को ये था कि शायद से टाइप सी लगती है बट टाइप USB टाइप लगती है इसको कुछ ना एक ये इसकी बेकार सी जो बुकलेट मिलती है जिसका हमें कुछ काम नहीं है एक और बुकलेट और ये काम का है दिस इज आर PS4 1TB स्लिम मॉडल तो कुछ ऐसा दिखता है थोड़ा सा हैवी है ज्यादा नहीं बाकी हैवी से हम तो रखना ही है तो अब देखा जाए तो ये हमारा पूरा सेट हो गया रिमोट एंड दिस तो मैं आपको ये लगा के चला के दिखाता हूँ जैसे भी होगा और भाई खेलेंगे कैसे पे सीडीज आया सीडी लेके आया हम ऐसी बात नहीं है ये सब ब्लॉग में पागलवा नहीं होता कैप्स एक लाए हम Uncharted 4 एक लाए Horizon Zero Dawn God of War, Last of Us. So, हमने ये PS के अलावा अलग से हमने ये चार सीडीज परचेज करी सो जिसकी हमारी टोटल कॉस्टिंग आई थी 28,000 विद कंसोल एंड फोर सीडीज और PS प्लस मेंबरशिप के साथ तो हमें ये टोटल पड़ा था 28,000 का मैं इसका ब्रेकअप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हमने कैसे कैसे क्या क्या चीज कितने की ली थी और जहां से ली थी उसका भी एड्रेस डाल दूंगा तो अभी हम इसको चलाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूं
सो मैं जैसे आपको बता रहा था कि हमने पूरा पैकेज 28,000 में लिया, तो उसमें एक चीज और थी, वो है PS Plus की मेंबरशिप। तो ये मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, अंदर से कोड लिखा है, मैं दिखाऊंगा। तो ये पूरा हमें पैकेज मिला था 28,000 का, कंसोल रिमोट कंसोल रिमोट चार CDs और एक PS Plus की मेंबरशिप। तो ये सब मिला के मैं 28,000 का पड़ा था। और अभी हमने इसमें थोड़ी बहुत गेम्स वगैरह डाउनलोड करनी शुरू कर दी और थोड़ी बहुत इसमें हमने थीम्स डाली हैं, अभी हम वही चेक कर रहे थे दोनों बैठ के। सो मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूं। सो दिस इज कॉल ऑफ ड्यूटी थीम, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने थोड़ी बहुत थीम्स वगैरह डाउनलोड करी हैं, उसमें से एक ये है कॉल ऑफ ड्यूटी थीम, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये मेरे को बहुत प्यारी लगी। और जितने भी कॉल ऑफ ड्यूटी लवर्स हैं ना, वो कमेंट में जाके जरूर बता देना कि किस किस को कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने का शौक है। तो दिस इज माय फेवरेट गेम, माय पर्सनल फेवरेट गेम इज कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अब काफी लोग ये वीडियो देख के ये सोचेंगे कि अब जैसे कि PS5 लॉन्च होने वाला, इंडिया में आने वाला है, काफी लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। तो अब सब जने ये सोचेंगे कि हमने PS5 क्यों लिया ऐसे टाइम पे जब इतना पास था PS5 की लॉन्चिंग। तो सोचते ने PS5 क्यों लिया। एक्चुअली देखो भाई, अभी भी वो ब्लैक का ही सिस्टम चल रहा है, अभी कुछ पक्का नहीं है वो जनवरी में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा स्लाइटली मेरे बजट से बाहर था। सो हमें PS4 पे डील काफी अच्छी मिल रही थी, तो हमने नहीं सोचा, और इतना वेट करने का मन नहीं था कि कब तक लॉन्च होगा कब होगा, फिर उसको लेने जाओ। और ऑब्वियसली जहाँ पे ये हमें 28 का मिला है, वो लॉन्च होता 50-55 के अराउंड, तो उतना महंगा लेने कोई फायदा नहीं था। तो इस वजह से हमने प्रेफर करा PS4 लेना ओवर PS5। PS Store पे से हमने और गेम्स डाउनलोड करी हैं, तो वो भी गेम्स दिखाता हूँ अपने कौन सी डाउनलोड करी हैं। ये वॉर्म्स रंबल तो हमें मिली है PS मेंबरशिप के साथ, एक मिली है हमें ये जस्ट कॉज 4 और एक रॉकेट एरिना। भाई कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो, क्लेम कर दो, अभी फ्री में मिली है, बहुत बढ़िया गेम है भाई, अभी से कर लो। मॉडर्न वॉरफेयर मिल रही है, जल्दी से जाकर गेम कर लो, मैंने भी बस क्लेम कर ली। रॉकेट लीग में मिल गई है, डाउनलोडिंग पे चल रही है, जो अभी हम खेलने वाले हैं। और इसके अलावा अभी हम स्टोर से हमें हिटमैन भी मिल रही है, सोच रहे हैं लेकिन जैसे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए भाई हिटमैन। भाई 10 GB के 2 मिशन लेके क्या करेगा भाई, फ्री तो है ना। कोई नहीं, बाद में हमें PS Plus की मेंबरशिप के साथ मिल जाएगी। भाई देखो, तुम लोग PS खोलना, उसमें फ्री पे जाना, फ्री टू प्ले में मिल जाएंगे तुम्हें, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हें, ये जितने भी ऑप्शन हैं सारे क्लेम कर सकते हो तुम। So this was my video of PS4 unboxing. I hope आप सबको अच्छी लगी होगी। मैंने ऑलमोस्ट जितनी चीज थी मैंने सब कुछ दिखा दी, सारे गेम्स दिखा दी, गेम प्ले का थोड़ा टाइम लैप्स में हमने देख लिया होगा इससे पहले। मैंने जब हम खेलने लगे थे तो मैंने फोन रख दिया था ट्राइपॉड पे, तो उससे टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो गए हैं। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, और अगर कोई भी चैनल पे नया आया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। आगे न्यू ब्लॉग्स आएंगे, अभी मेरा न्यू ईयर पे भी कहीं जाने का प्लान है, तो उसका भी मैं सेपरेट ब्लॉग डालूंगा। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड सुजल बाय, एंड यू गॉट पीएस। सो अब हम काफी दिन तक यही चलता रहेगा, PS वगैरह ही चलता रहेगा। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।